चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और उनके आंसर विस्तार में बताए जा रहे हैं। याद रखिए, मेरा वनडे एग्जाम का कहने का मतलब ये होता है कि इस प्रकृति के, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस जिस भी एग्जाम में पूछे जाएं, आपका फिर SSC, बैंक, रेलवे, या कहीं का SI हो गया, पुलिस हो गया किसी स्टेट का, या शिक्षक की भर्ती हो गई, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। और याद रखिए, इस तरह के हम लोग 8 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 9वां टेस्ट है। और कई बच्चों का कहना है कि वो उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो याद रखिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी आपका लेक्चर आता है वो आप तक पहुंच जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारे सामने पहला क्वेश्चन? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? ये थे आपके जॉर्ज यूल। ए ऑप्शन सही है। आप जानते हैं कि जॉर्ज यूल एक स्कॉटिश व्यापारी थे, और इलाहाबाद अधिवेशन यानी कि चौथा अधिवेशन 1888 में होता है। कहाँ होता है? इलाहाबाद में, जिसे आज आप लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अध्यक्ष बने थे ए जॉर्ज यूल, एक अंग्रेज थे, ठीक है। और कांग्रेस के बारे में अगर सामान्य जानकारी दे दें, तो इसकी स्थापना 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कहाँ? पहला इसका अधिवेशन हुआ था बम्बई, कलकत्ता, बम्बई में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद बनर्जी। और आज भी आप देखते हैं कि कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाता रहता है 28 दिसंबर को। एक बात और याद रखिए, आज की कांग्रेस और उस समय की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अब आप अगर आज के नेताओं से कम की तुलना उस समय के नेताओं से करें, तो हो सकता है कि आपको, मुझे नहीं लगता है कि कर सकते हैं। वही है कि हीरे की तुलना आप कहें कि कोयला से कर दें, नहीं हो सकती है ना, या फिर राम की तुलना रावण से कर दें, नहीं हो सकती है ना। तो यही हाल है। चलिए खैर छोड़िए, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति का पिता किसे कहते हैं? आप सभी जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन सही है। बाल गंगाधर तिलक 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, और वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय क्रांति का पिता कहा था। ये भी पूछ सकता है कि भारतीय क्रांति का पिता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? ये थे वैलेंटाइन चिरोल, इन्होंने कहा था। और तिलक ने सबसे पहले स्वराज की मांग भी की हुई थी। ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है आपका कि स्वराज की सबसे पहले मांग किसने की थी? तिलक साहब ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप सभी को मालूम होगा कि जे बी किपलानी, इन आचार्य जीवंत राव भगवान दास किपलानी, इनका पूरा नाम है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे गांधीवादी और समाजवादी और पर्यावरणविद एवं स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। याद रखिए, वादी का मतलब होता है एक विचारधारा से, जैसे गांधीवादी तो ये विचार है, समाजवादी तो एक एक विचारधारा होती है वादी, और आगे जो शब्द जुड़ा हुआ है उसकी विचारधारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। स्वदेशी प्रस्ताव 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। याद रखिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछे अगर आपसे, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इससे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, इसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। और 1906 के जो अधिवेशन हुआ, इसमें स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव का पारित किया गया था। आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, देखिए उस समय अलग बात थी। आज हम लोग कई देशों पर पूरी तरह से, कई तरह से, कई मामले में आप डिपेंड हैं। चाइना को ले लीजिए, हम अपने पड़ोसी को, यहाँ से देखते हैं कि अगर हम कच्चा माल भी, कोई दवाई भी बना रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि 70% तक हम लोग चाइना से खरीदते हैं। आप मोबाइल की छोड़िए, आप आजकल मोबाइल ले लीजिए, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो इस समय,
हाँ, जिसकी परिस्थिति बिल्कुल खराब है उनकी छोड़िए, और आज तक तो मैं देख रहा हूँ कि गरीबों के पास भी मोबाइल पहुंच चुका है। चाइनीज फोन इतने सस्ते होते हैं कि आराम से वो भी इसे खरीद सकते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर आपके देश में 4 फोन बिक रहे हैं तो उनमें से 3 फोन कहाँ के? चाइनीज कंपनियों के। इसका हमें दूसरा विकल्प देना होगा, तभी आप समझिए कि आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। या हम कोई भी सामान वाइकआउट करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट का, आप देखते हैं कि चलता रहता है, तो तभी संभव हो सकता है जब इसका कोई दूसरा विकल्प हम दे दें। इतने ही सस्ते फोन दूसरी मतलब भारत में बनाने लगे, तब हमारे मतलब हर कोई खरीदेगा, चाइनीज कंपनियों को कभी नहीं खरीदेगा। लेकिन जानते हैं कि हमारे यहाँ जो फोन बनते हैं वो महंगे होते हैं हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने? ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने? तो ये था बेलगाम। गांधी जी ने 1924, इस डेट को याद रखना क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, 1924 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बने थे, केवल एक बार। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं है था? क्या पूछ रहा है? नहीं था। निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था? तो आपको याद रखना चाहिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नहीं थे। इसमें आप देखेंगे कि नवाब मोहसिन उल मुल्क थे, आगा खां भी शामिल थे, नवाब सलीम उल्ला भी खान भी शामिल थे, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद इसमें शामिल नहीं थे। और दूसरा आप सबसे क्वेश्चंस कैसे बन सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो आप जानते हैं कि 1906 में हुई, दिसंबर में। इसमें आगा खान, ढाका के नवाब थे सलीम उल्लाह, और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। और मुस्लिम लीग ने बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसका समर्थन किया था, अंग्रेजों ने, आप जानते हैं कि विभाजन किया बंगाल का, तो उस समय इसका पक्ष किसने लिया था, समर्थन किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष अधिकारों की मांग भी इसी संस्थान ने उठाई थी। और देश के बंटवारे में आप जानते हैं कि इस तरह की संगठनों का, मुस्लिम संगठनों का कुछ ज्यादा ही रोल रहा है। ठीक है, अपने मतलब के लिए, ऐसा नहीं कि जनता के लिए इनकी सोच थी कुछ, ऐसा कुछ नहीं। अली जिन्ना को आप जानते हैं कि लास्ट में उन्हें मुस्लिम भी नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें राजनीति में राजनेता बनना है, कुछ पद चाहना है, पाना है, तो इसके लिए उन्हें अलग देश की मांग कर बैठे, क्योंकि वहां जाकर वो गवर्नर बन बैठे, समझ रहे हैं एक तरह से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ये थे आपके नवाब अब्दुल लतीफ खान। नवाब अब्दुल लतीफ खान 19वीं सदी में मुस्लिम आधुनिकीकरण के पथ प्रदर्शक थे। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण रहा है। और देखने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब कि इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, आपकी लूसेंट भी कवर की हुई है, आपकी किरण सामन भी कवर की हुई है। अगर आप इसे कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। और ज्यादा विस्तार से आपको पढ़ना है तो लूसेंट आप लोग पढ़ लीजिए। तो इस सब के बारे में कवर कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट सूची में जाइए, वहाँ सब पढ़ा हुआ है। जीएस के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई थी, और जो भी मटेरियल दे चुका हूँ कंप्यूटर का हो, हर क्षेत्र में मतलब आपका कंप्लीट करवा चुका हूँ। क्वेश्चंस भी मैं सोच रहा हूँ कि 1000 से 2000 तक कम से कम करवा दूँ हर सब्जेक्ट से, जिससे आप फुर्सत हो जाए बिल्कुल। आप अगर इसे फॉलो करते हैं तो आपका जीएस से मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन छूटेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ दिया था? तो आप जानते हैं कि न्यायालय में दिया थे। और एक बात और याद रखिए, इसमें कई बार ये पूछ लिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस किसका नारा है? तो याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक का नारा है। एक ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है।
और जानते होंगे कि आप लोग बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। गरम दल के मतलब इनका मतलब था सीधा कि हाथ जोड़ना या पत्र लिखना नहीं, आजादी जबरदस्ती से लेना। न्यायालय में न्यायाधीश के सामने उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद उन्हें 7 साल के लिए मांडलिक जेल भी पहुंचाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये तो आता भी होगा आप लोगों को, ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है। ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले एक विचारक, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक थे। उन्होंने महाराष्ट्र में 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, भारतीय होम रूल लीग के होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके जोसफ बपतिस्ता। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, और जबकि जो एनी बेसेंट थी इन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। याद रखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करूं अगर तो एनी बेसेंट ही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आप जानते होंगे कि मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। एक खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तुर्की के प्रति ब्रिटिश ने जो दृष्टिकोण में बदलाव लाना था और तुर्की के सुल्तान को पुनः उनके स्थान पर स्थापित करना था। इसके लिए अली बंधु मौलाना आजाद, हाकिम अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति का गठन भी किया गया था। एक बात और याद रखिए, ये लोग क्या करते थे कि तुर्की का जो राजा महाराजा एक तरफ से खलीफा हुआ करता था, इसे अपना विश्व गुरु मानते थे। तो उसकी मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं उसका सम्मान बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन है हमारा अगला, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था आपका दिल्ली में, जो आज हमारे देश की राजधानी है। नवंबर 1919 में किया गया था और हिंदू मुस्लिम का संयुक्त सम्मेलन था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव भी इसी समय रखा था, जिसका जिन्ना ने विरोध किया था। और दिसंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन का दूसरा सत्र बुलाया गया और फरवरी 1920 में बॉम्बे में खिलाफत आंदोलन का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, इसी समय आपका असहयोग आंदोलन चलता है 1920 में, आप लोग देखते हैं दोनों को जोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जानते हैं आप लोग? ए नागपुर को। किसे? नागपुर को। 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में मनाने के बाद झंडा सत्याग्रह शुरू किया गया। इस सत्याग्रह का नारा था नागपुर चलो। कहाँ चलो? नागपुर चलो। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, अलीपुर षड्यंत्र केस में औरोबिंदो अरबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? इस तरह के षड्यंत्र थे, इनसे भी आपके क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट पूछ लिए गए। अरबिंदो या फिर औरबिंदो, इनके दोनों नाम हैं। तो चितरंजन दास ने, इसमें चितरंजन दास ने, आप जानते होंगे कि चितरंजन दास प्रसिद्ध क्रांतिकारी व न्यायविद भी रहे। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरबिंदो या उर्बिंदो घोष का बचाव किया था। ये ढाका षड्यंत्र केस भी बचाव पक्ष में थे। 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की भी थी। किसने? चितरंजन दास ने। वो याद रखिए आपके हिस्ट्री में जो भी महान हुए, फिर चाहे आपका, आप देखें हम लोग बात करेंगे, कर रहे हैं आपका महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म से लेकर पूरा प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, फिर आप देखेंगे कि आधुनिक भारत, और अभी तक के सभी नेताओं के बारे में हम लोग एक क्रम करके एक तरह से एपिसोड ला रहे हैं। हर किसी की बायोग्राफी या किन्हीं की जीवन के बारे में बताया जाता है। बायोग्राफी के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसे जाकर देखिए आप लोग। ठीक है,
क्योंकि इसमें सब कुछ बताया जा रहा है, कई लोगों की बायोग्राफी कवर कर चुके हैं, आपके प्रधानमंत्री हों, फिर चाहे आपके राष्ट्रपति हों, या जो भी चर्चा में व्यक्ति रहते हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, सिकंदर, चाणक्य, चाणक्य को जानते हैं आप लोग, कि किस तरह से एक सामान्य लड़की को निचले तबके से उठाकर राजा बना दिया जाता है, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब के बारे में बात कर चुका हूँ। ठीक है, देखते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? तो आप जानते होंगे कि ये सूरत में हुआ था। कब? सूरत में, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन होता है, एक गरम दल हो जाता है, दूसरा नरम दल। नरम दल का इनका योगदान यही उद्देश्य रहता था कि हाथ जोड़िए, प्रार्थना पत्र लिखिए, कोई भी काम कराना है। लाला लाजपत राय को जानते हैं आप लोग कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में थे, कौन? गरम दल वाले नेता। जबकि इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुनना चाहते थे, कौन? नरम दल वाले नेता। और ये 1907 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। मुझे लगता है कि आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण। दादा भाई नौरोजी को महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी कई बार पूछ ली गई है उनकी कृति को, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के द्वारा उन्होंने देखा कि भारत से धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। आप देख रहे थे कि भारत से किस तरह यानी कि यूरोप की तरफ धन जा रहा था। वे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करता था? निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करता था? तो आप जानते होंगे शायद, ये था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना 1902 में हुई थी, परमथनाथ मिश्रा ने की थी बंगाल में, परमथनाथ मिश्रा ने बंगाल में। ठीक है, उस समय आप जानते होंगे कि बंगाल बहुत ही आंदोलनों का एक गढ़ हुआ करता था, नेताओं का जो भी क्रांतिकारी रहे हैं अधिकतर को आप देखते हैं वहां गढ़ हुआ करता था। INA ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? INA ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये सबको पता होगा, लाल किला, इंडियन नेशनल आर्मी। INA का मतलब होता है इंडियन नेशनल आर्मी। के सहगल, साहेब नवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो पर लाल किले में नवंबर 1945 में ट्रायल शुरू हुआ। इस ट्रायल के दौरान भोला भाई देसाई बचाव के पक्ष में मुख्य अधिवक्ता थे। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि ये लाल किला पर जो ट्रायल हुआ था इसमें कौन कौन इसके दोषी थे, मतलब जो किन किन को लेकर हुआ था? तो आप जानते हैं के सहगल, साहेब नवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। इसके बचावकर्ता में वकील कौन थे? वैसे तो सभी कई लोग थे, लेकिन भोला भाई देसाई। कब हुआ ये? नवंबर 1945 में। ठीक है, किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन बनता है तो आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, अच्छे से सुनते रहिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सर चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है, उपयुक्त कथन किसने कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी, घटिया है, ये कथन किसने कहा था? ये थी आपकी सिस्टर निवेदिका, निवेदिता। ये क्वेश्चंस भी आपका कई बार बच चुका है, पता है MPBSC में भी ये कई बार पूछा गया है प्रीलिम्स में। सिस्टर निवेदिता आयरिश स्कॉटिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और अध्यापक भी थी। वे स्वामी विवेकानंद साहब की शिष्या थी। क्या थी? विवेकानंद साहब की शिष्या। इनके बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं कभी टाइम मिलने पर। स्वामी विवेकानंद किस तरह से, आप समझ सकते हैं कि हकीकत जिंदगी क्या होती है, इनकी बायोग्राफी देखने के बाद आप समझ जाएंगे।
जन्म लेला मर जाना कोई जिंदगी नहीं होती है, समझ में आया? कोई उद्देश्य होना चाहिए जिंदगी का, यही जिंदगी है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1886 में निम्नलिखित में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय किया गया था? 1886 में निम्नलिखित में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय किया गया था? तो ये था आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है, आप जानते हैं कलकत्ता में होता है, और दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन में आपने देखा होगा कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय कर दिया जाता है कांग्रेस में। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, कब हुई इसकी स्थापना? 1886 में। और कांग्रेस की आप जानते हैं, पीछे बात कर चुका हूं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्या है हमारे सामने अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन थी? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन थी? तो ये थी सूरत। क्या थी? सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सूरत प्रेसिडेंसी की स्थापना की। इसके अतिरिक्त पूर्व में जावा में वंतन प्रेसिडेंसी थी, जहां पर कप्तान लंकास्टर में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। एक बात और याद रखिए, सूरत उस समय भी महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था, आज भी आप देखते हैं सूरत महत्वपूर्ण शहर है गुजरात में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि 1767 से 69 के आंग्ल मैसूर युद्ध में से ठीक पहले हैदर अली के विरुद्ध त्रिकोणीय गठबंधन में कौन जुड़ा था? जो 1767 और से 69 के बीच जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इससे ठीक पहले हैदर अली की विरुद्ध त्रिकोणीय गठबंधन में कौन जुड़ा था? तो आप देखते होंगे कि अंग्रेज भी थे, हैदराबाद का निजाम भी था, मराठा भी इसमें शामिल थे, त्रावण कौन का राजा इसमें शामिल नहीं था। तो इसमें 1, 2, 3 यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। 1766 में हैदर अली के विरुद्ध ब्रिटिश, मराठा, हैदराबाद के निजाम एक हो गए, और 1768 में मराठाओं और हैदराबाद के निजाम द्वारा साथ छोड़ने के बाद अंग्रेजों को अकेले हैदर अली से लड़ना पड़ा। याद रखिए, आप सोचिए कि हमारे देश पर इतने समय तक शासन करते रहे अंग्रेज या फिर कोई भी हो, एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि क्षेत्रीय बात, हर कोई अपना अपना क्षेत्र लेकर बैठा हुआ था और अपने क्षेत्र को बचाने के लिए किसी से भी संधि कर सकता था। शायद आप उस समय गलत भी ना समझे, उस समय स्थिति में जो भी परिस्थिति बनी हुई थी। कहा जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आप लोग भी जानते होंगे कि सिंधिया ने मरवाया था, तात्या टोपे को आप मानसिंह ने मरवाया था, आप जानते हैं इसको। तो क्या हुआ करता था कि झांसी एक तरह से आप कहिए कि अलग राज्य देश हुआ करता था उस समय, और ग्वालियर अलग देश हुआ करता था, देशों की तरह बटा हुआ था। आज हमारे यहाँ राष्ट्रीयवाद है, राष्ट्रवाद है, लेकिन उस समय क्षेत्रीयवाद था। तो ग्वालियर को बचाने के लिए उन्होंने झांसी को बलि चढ़ा दिया, ऐसा था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, विपगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया था? विपगत सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिग्रहित यानी कि अपने अंदर नहीं लिया था? तो ये था मैसूर। सतारा को भी लिया, सतारा को आप जानते होंगे कि 1848 में लिया। जैतपुर, जैतपुर और संबलपुरा को 1849 में लिया, और नागपुर और झांसी को आपने देखा होगा कि 1854 में लिया। तंजौर और आरकॉट को ये 1855 में, और अवध को 1856 में। तो सबसे पहले किसे? सतारा को 1848 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तात्या टोपे, माफ करिए क्वेश्चन सीधे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? एक बात और याद रखिए, 1857 के विद्रोह से जो भी नेतृत्व करता रहे, वो
इनके बारे में आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए, आपको पढ़ाया गया है, या आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि इससे भी आपके क्वेश्चंस देखते रहते हैं, बनते रहते हैं, फिर चाहे आपका IAS हो या फिर PCS हो या फिर कोई स्टेट अदर एग्जाम हो वन डे, उनमें भी आपके बनते रहते हैं। तो ये थे बेगम हजरत महल, सी ऑप्शन सही है, बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र को बिरजिस कादर के नाम पर शासन किया और 1857 के आंदोलन का नेतृत्व लखनऊ से उन्होंने किया था। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थे श्री नारायण गुरु। कौन थे? श्री नारायण गुरु। यह एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का इन्होंने उपदेश दिया था। उनके नास्तिक शिष्य सहदृढ़ आयन ने इस सिद्धांत से प्रेरित होकर ना कोई ईश्वर, ना जाति और ना ही धर्म का सिद्धांत दिया। तो याद रखिए, इनके जो शिष्य थे सहदृढ़ अयप्पन, इन्होंने इनके उलट में एक सिद्धांत दिया, क्या था? ना कोई ईश्वर, ना जाति, ना ही धर्म का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में पश्चिमी शिक्षा को मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि बोर्ड्स डिस्पैच 1854 को। 1854 में बोर्ड डिस्पैच के द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना व्यवस्था भी की गई। बोर्ड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कई बार आपका क्वेश्चंस बन चुका है। इसमें आप सोचिए, इस टेस्ट में वही क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं जो कई बार कई परीक्षाओं में आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? आप सभी जानते होंगे, किसने की? केशव चंद सेन ने। केशव चंद सेन ने। दक्षिण भारत में ब्रह्मो समाज के द्वारा सुधार किए गए और यह कार्य केशव चंद सेन ने वेद समाज के अंतर्गत किए थे। क्वेश्चन है अगला हमारा, 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? तो ये थे अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। इन्हें आप लोग सामान्य तौर पर ठक्कर बापा भी कहा जाता है। इन्हें एक प्रसिद्ध समाज सेवक रहे हैं। इन्होंने गुजरात में जनजातीय लोगों की सहायता के लिए काफ़ी कार्य किए और 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना भी की हुई थी। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? तो ये थे हमारे रास बिहारी बोस साहब। ए ऑप्शन सही है। आप जानते हैं कि 1912 में दिल्ली षड्यंत्र हुआ और भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था। यह षड्यंत्र भारत की राजनीति को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद रचा गया था। 23 दिसंबर 1912 को बम विस्फोट के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया, परंतु ये असफल रहा और लॉर्ड हार्डिंग बच जाते हैं इसमें। ठीक है, तो दिल्ली षड्यंत्र को याद रखिए, इससे संबंधित नेता को भी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? माफ करिएगा थोड़ा, गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? तो ये था अहमदाबाद मिल हड़ताल। मार्च 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल में हड़ताल होती है। 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया था। चंपारण देखते हैं आप लोग, ये 1917 की बात है। खेड़ा आपकी 1918 की बात है।
ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 1919 की बात है आपकी, कब की, 1919 की, 13 अप्रैल 1919 की, ठीक है, याद रखा करिए, याद सर हर पॉइंट रख पाना आपके लिए छोड़िए, मेरे लिए भी या फिर किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, इसलिए अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, तो आपको लगता है कि गलती हो गई, तो आप लोग सही करके उसे नीचे लिख दिया करिएगा। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सही आंसर बताऊं आप लोगों को हर संभव, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो माफ़ करिए इसे और आप लोग नीचे लिख दिया करिएगा, ठीक है। एक दोस्त की तरह है हम लोग सब, परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, और परिवार का मतलब होता है कि एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे का बुरा ना करके अच्छा करना। चलिए हमारा गलत हो गया है, लेकिन दूसरा आने वाला कोई पढ़ता है तो उसे सही जानकारी मिले, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया, बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया, ए किया था लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, सी ऑप्शन सही है। बंगाल विभाजन की अगर घोषणा करते हैं तो 19 जुलाई 1905 को हुआ, जबकि इसका विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ, इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, लेकिन इसका विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर को, उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायस राय थे, जब इसका विभाजन होता है उस समय कौन था वायस राय, लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायस राय कौन थे, तो आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन, और जब ये रद्द हुआ 1911 में उस समय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, 1911 में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्या है, सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित कुमारन असन वर्तमान में किस वर्तमान राज्य से थे, सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित कुमारन असन ये किस राज्य से संबंधित थे जिसे आप वर्तमान में कहते हैं, एक केरल वर्तमान का राज्य, महाकवि थे कुमारन असन, ठीक है, वे केरल के कवियों की त्रिमूर्ति में से एक थे, वे दार्शनिक, समाज सुधारक और श्री नारायण गुरु के शिष्य थे, श्री नारायण गुरु के शिष्य थे। याद रखिए पहले जो भी कवि हो आप, देखिए फिर चाहे आप लोग किसी राजनीतिक को ले लीजिए, कई क्षेत्रों में महारत हासिल किए हुए होते थे, आज के नेताओं को आप देखिए कि 10वीं पास भी है फिर भी जाकर मंत्री बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय आप पढ़े लिखे ही लोग भाग लेते थे इस राजनीति में। आपने 1947 में जब हम आज़ाद हुए उस समय के नेताओं को आप लोग देखिए, कानून मंत्री कौन था, आपने देखा है कि भीमराव अंबेडकर साहब कितने पढ़े लिखे थे, खुद आप जान सकते हैं कि जिन्होंने संविधान बनाया। आपने सुना भी होगा कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो हर देश कह रहा था कि 2 से 4 साल में भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में कई धर्म रहते हैं, कई समुदाय हैं आप देखते हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर भी इकट्ठा करके रखा हुआ है, हमारे संविधान ने सब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया और रोक के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय के नेताओं की काबिलियत क्या रही होगी। आज देखिए कीचड़ दूसरे पर उछालना बड़ी आसान बात होती है, लेकिन उस जगह अपने आप को कभी रखिए तब मालूम चलता है कि आप क्या करते उस समय। आज आप गांधी को गाली देते रहते हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब को बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, हमारी तुम्हारी औकात नहीं है कि उस जगह जाकर बैठ सकें, उनकी जगह ज़िंदगी में कभी ले सकें, उन्होंने तो कभी नहीं, गलत हो रहा है तो उन्होंने तो आवाज़ उठाई, हम लोग तो जिंदा लाश बनकर देख रहे हैं केवल, तमाशा लगा हुआ है। चलिए छोड़िए ये सब। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समय काल में रहे, तो आप जानते हैं कि 1916 से 1922 के बीच, 1922 के बीच कांग्रेस द्वारा आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग का जो खिलाफत आंदोलन था इसे भी समर्थन दिया गया, और कहा जाता है कि इसी के बीच सबसे अच्छे संबंध देखे गए हैं इनके दोनों के बीच। क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, मैंने बताया ना कि थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन करने वाली पहली पहली महिला थी, आप सोचिए एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय बात करें अगर हम लोग तो ये थी सरोजनी नायडू। एक बात पहली बार याद रखिए कि अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन थी तो सरोजनी नायडू, और अगर पूछे कि पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी तो आपको लगाना है एनी बेसेंट, अगर एनी बेसेंट नहीं है तो आपको सरोजनी नायडू लगाना है, ठीक, अगर यहाँ आप देखिए कि एनी बेसेंट होता तो आप एनी बेसेंट पर लगाते टिक, ठीक है, ना कि सरोजनी नायडू पर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर हमें विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इनका मतलब क्रम बताना है कि कब से कब हुई है, सही क्रम में लगाना है। आप जानते होंगे कि गांधी इरविन समझौता सबसे पहले होता है, फिर आप देखते हैं कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है यानी कि 1-3, फिर आप देखेंगे कि पूना समझौता होता है यानी कि 2 आएगा, फिर आप देखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 1-4। तो एक तरह से आप कह सकते हैं 1-3, 1-3, 2-4। गांधी इरविन समझौता होता है आपका 5 मार्च 1931 को। कब होता है? 5 मार्च 1931 को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है आपका 26 से 31 मार्च 1931 को। और पूना समझौता होता है आपका 1932 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 1940-41 में शुरू होता है। ठीक है, याद रखिए इन पॉइंटों को। आपसे पूछ भी सकता है, इन डेटों को भी पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, पूना समझौता कब हुआ। तो आप लोग क्वेश्चंस बनाना सीखिए, मैं कहता हूँ इसी से आपका उद्धार होने वाला है। किताबें 1000 पढ़ लीजिए, अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप क्वेश्चंस बेहतर स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन अगला हमारे सामने, स्प्रिंटिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? यह है सुभाष चंद्र बोस की। यह होरो टॉय की किटी है। इस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध और आंग्ल भारत संबंधों का विवरण भी दिया गया है। इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस के जीवन, दर्शन, आदर्श, राष्ट्रवाद और राजनीति के बारे में बताया गया है बेहतर तरीके से। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो आप जानते होंगे कि ये किया गया था सेंट जेम्स पैलेस में। और याद रखिए, कांग्रेस की तरफ से दूसरे ही सम्मेलन में भाग लिया गया है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। किसने लिया था? गांधी जी ने। और ये आपका सितंबर से दिसंबर 1931 में होता है लंदन में। ठीक है, याद रखिए। तीनों में अगर आपसे पूछे भाग लेना वाला, तो आप जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने तीनों में गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्त ए ताउस का विवरण किया? ये था जीन बपतिस्ते टेवर्नियर, एक फ्रांसीसी आभूषणकार व यात्री था। उसने मुगल काल का काफी विस्तृत वर्णन भी किया है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? तो यह चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा से विवाह। एक तरह से आप कह सकते हैं कि दहेज में दिया गया था इन्हें, समझ रहे हैं? 21 सितंबर 1668 की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 1613 में सूरत में कारखाने स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया? ये था अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी। और 1612 में कैप्टन थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में भारत में व्यापार करने के लिए 4 समुद्री जहाज भेजे। यह जहाज स्वयं की रक्षा करने में समर्थ थे और पुर्तगालियों को हराने के बाद जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ। उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा भी दी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया? पेशवा ने
अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया? तो ये थी बसाई की संधि। ये कब हुई? 31 दिसंबर 1802 में बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि पूना की लड़ाई के बाद की गई थी। वसाई की संधि, वसाई की संधि। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा का, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना था? यह था हैदराबाद। सहायक गठबंधन एक ताकतवर राज्य, उसके अधीन कमजोर राज्य के बीच होता था। अंग्रेजों के सहायक गठबंधन का पहला शिकार हैदराबाद के निजाम से बने थे, और लॉर्ड बिलेस्टे ने, सॉरी बिले इसलिए ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, गठबंधन, सहायक गठबंधन। क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सर संघ चालक कौन होता है? आरएसएस अध्यक्ष, ये ऑप्शन सही है। एक बात और बताऊं आपको, राष्ट्र आरएसएस इसका मतलब सीधा सा यह है कि अभी आप एबीपी देखते हैं, कई आप संगठन भी देखते हैं, इसमें क्या होता है कि ये उसकी शाखाएं हैं, समझ रहे हैं? आज आप देखेंगे हमारे देश के जितने भी बड़े पद हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मोदी साहब को देख लीजिए, फिर चाहे राष्ट्र रामनाथ कोविंद साहब को देख लीजिए, ये दोनों आरएसएस के कभी विचारक रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बात करूं तो इसके फाउंडर थे केबी हेडगेवर, और इसके अभी वर्तमान की बात करें तो मोहन भागवत ने, 2020 की बात कर रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रवाद की बात करता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 27 सितंबर 1935, सॉरी 1925 को नागपुर में हुई थी। कब? 27 सितंबर 1925 को नागपुर में। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज्य स्थापित किया? तो एक किसने कहा था? एक कहा था के एम पड़िक्कर ने। के एम पड़िक्कर एक पत्रकार, विद्वान, इतिहासकार, कूटनीतिज्ञ थे, और ये कथन उन्होंने 1870 के दशक में ब्रिटिश के बारे में लिखा था। आप समझ रहे होंगे कि जिनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, भारतीय राजनेताओं के बारे में, बड़े लिखे पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान, इतिहासकार, पत्रकार, कूटनीतिक, कितनी महानता हासिल किए हुए थे, तब जाकर आजादी मिली। आबाद को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था? कथित कुशासन, कथित कुशासन। अवध एकमात्र ऐसी भारतीय रियासत थी जिसका अधिग्रहण कथित कुशासन के आधार पर किया गया था, और अवध पर फरवरी 1856 में कब्जा कर लिया गया था। अंग्रेजों का अच्छा मित्र हुआ करता था अवध, लेकिन उसने उसे अपने अंदर लेने के लिए कोई भी चाल चल सकते थे। जिस तरह से आज आप कहते हैं कि नेताओं का कोई धर्म नहीं था, उस समय आप कहिए कि अंग्रेजों का कोई धर्म नहीं था, वो आज कुछ और बोलें, कछ और कल कुछ और बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देसी रियासत को वेपगत के सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत नहीं किया गया था? सबसे जरूरी बात तो यह है कि इस पॉइंटों को अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, कभी पूछ लेता नहीं किया गया था, कभी किया गया था, तो इससे भी हम लोग गलत कर बैठते हैं, और सबसे सरल क्वेश्चन हम लोग हमेशा गलत करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और हम गलत कर बैठते हैं। वेपगत सिद्धांत के तहत की बात करें तो आप सतारा को भी देखेंगे, झांसी को, करौली को भी देखेंगे, इन सबको, संबलपुर हो गया, इन सबको शामिल किया गया था। इस सिद्धांत को, वेपगत सिद्धांत को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लेकिन आप देखेंगे कि पंजाब को इसमें शामिल नहीं किया गया था इसके तहत, तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारतीय कानून को एक कूटीकृत करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 1813 में देखते हैं आप लोग कि चाय और चीन को छोड़कर बाकी को खत्म कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से 1833 में देखने को मिलता है।
क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम हमें लगाना है। मैकडोनेल आयोग, पहला औद्योगिक आयोग, पहला वित्त आयोग। तो आप जानते होंगे कि मैकडोनेल आयोग का गठन होता है 1901 में और पहला औद्योगिक आयोग बनता है 1916 में, और पहले वित्त आयोग की बात करें तो 1919 में। तो आप समझेंगे कि 1, 2, 3 इसमें सही कथन होगा। पहले मैकडोनेल आया, फिर पहला औद्योगिक आयोग आया, फिर पहला वित्त आयोग आया। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई है? तो आप जानते हैं कि उत्तर पश्चिमी प्रांत से। भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी की शुरुआत बॉम्बे मद्रास से की गई, और जबकि जो महलवाड़ी थी इसकी शुरुआत उत्तर पश्चिमी जैसे पंजाब, दिल्ली, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? 1857 के विद्रोह का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ देखा गया? अवध पर। एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का आंदोलन का प्रमुख केंद्र अवध रहा है। अवध का अधिग्रहण भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में किया जाता है, और विद्रोह के दौरान हजरत महल ने अवध से नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल साहब ने। ठीक, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। मुझे लगता है कि अगर हम 100 क्वेश्चंस सॉल्व भी करते हैं तो 500 क्वेश्चंस आप लोग तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। आपने देखा होगा इस लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि कम से कम आप 500 प्लस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। इतना हम लोगों ने डीपली बात की हुई है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग 10वें टेस्ट में। ठीक है, और इसकी PDF आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड करते रख लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।